नर्स कर्मचारियों का मांगों को लेकर जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल में TNM सबिंदर स्टाफ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त के नोटिस मिलने से स्टाफ नर्स कर्मचारियों का गुस्सा फूट गया, जिसके चलते सभी स्टाफ कर्मचारी जिला चिकित्सालय में धरने पर बैठ गए। स्टाफ कर्मचारियों का कहना है कि वह लगभग 2015 से जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर सेवा कर रहे हैं, जिस दौरान उन्हें 31 मार्च को नोटिस दिया गया था कि उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन फिर उसके टाइम को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दी गई थी, जिसके विरोध में उन्होंने प्रशासन को अपनी सेवाएं बढ़ाने के लिए लिखित पत्र भी दिया था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि अब स्टाफ नर्स को 1 नवंबर से अस्पताल में आने के बाद उनके रजिस्टर में साइन भी नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने बताया कि यहाँ पर 78 लोग स्टाफ नर्स के पद पर तैनात हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सभी स्टाफ नर्स कर्मचारी आज जिला अस्पताल के गेट पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक जिला अस्पताल या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनके पास तक नहीं पहुँच सका है, और अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या मामला है, पूरी बात जानना चाहेंगे। हम लोग यहाँ पे एक TNM कंपनी है, उसके द्वारा 2015 में यहाँ पे हम लोग को पोस्टिंग दी गई, ठीक है। हाँ, रामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और भी 51 जिले हैं, ठीक है, वहाँ पे सभी स्टाफ को दिया गया था। अभी हमें 6 महीने पहले मार्च में 31 मार्च को हमारी संविदा यहाँ से समाप्त कर दी गई, हम TNM से खत्म कर दिया गया। TNM से ये कह दिया गया कि हम आप लोगों की मतलब सेवा समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो बजट था 6 महीने के लिए बढ़ा करके NHM के द्वारा देने लगे, वो हमें सितंबर तक कर दिया था। सितंबर के बाद हमें ये कह दिया गया कि 31 अक्टूबर तक हमारा मतलब हो जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद अब हमें बिल्कुल भी कह दिया है कि यहाँ कोई काम नहीं करना है, और साइन भी आज कल जो हम लोगों ने 1 तारीख को ड्यूटी करी है उसमें भी हमारे कोई साइन नहीं करा गया। रजिस्टर अटेंडेंट रजिस्टर में जो साइन होते हैं वो कोई साइन नहीं होता, कुछ भी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत सी दिक्कत आ रही है, हम इतने सारे स्टाफ हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी का बच्चा है, सब लोगों के घर पल रहे हैं, तो अगर हम लोग एकदम से ऐसे निकाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आप ही बताएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी इस मतलब आगे बढ़ाया जाए, समायोजन NHM में समायोजन हो जाए हमारा। अच्छा, हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर कर दिया गया। आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, फिर क्या जिला अधिकारी से क्या मांग कर? जिला अधिकारी से हमारी यही मांग है कि वो हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो कुछ करें, क्योंकि हम ऐसे तो बिना साइन के विदाउट सैलरी कैसे जॉब करेंगे, कब तक करते रहेंगे ये भी तो। अभी कल तो हमने करी ली, 2 दिन से हमारे साइन नहीं हुए, अब हम बताइए हम कैसे कर सकते हैं। कोई आश्वासन भी नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं दिया है कि हाँ आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसा भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि चलिए कन्फर्मेशन ही दे देते, कोई कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर में कार्यरत हूँ, स्टाफ नर्स की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। 2015 से हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। सरकार ने हम लोगों को 2015 से यहाँ पर आश्वासन दे के रखा था। अब हम TNM कंपनी मुंबई की है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर रखे गए थे। 6 महीने पहले हम लोगों की TNM कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम लोगों को UPHSC में कर दिया गया था। अब UPHSC कंपनी ने भी हम लोगों को नोटिस जारी कर दिया है कि हम लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसी पर्पज से हम लोग यहाँ खड़े हैं, और हम लोगों की बेरोजगारी हम लोग हो जाएंगे। और कितने लोग हैं और क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोगों को 70 लोग हैं समथिंग, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 70 लोग हैं, 70 स्टाफ जो है कार्यरत है यहाँ पर, और सभी लोगों को बाहर जाने का नोटिस दे दिया गया है। आपकी सेवा वजह यही है कि हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गई हैं, और रजिस्टर पे हम लोगों से साइन भी 2 दिन से नहीं कराए गए। इससे पहले भी आपने पीछे प्रोटेस्ट किया था? जी, प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद 6 महीने का हमें सरकार ने मोहलत दे दी गई थी। 1 महीने का बता दिया गया था, फिर पहले 6 महीने का बताया गया था, फिर 1 महीने का बताया गया है, उसके बाद अब तो हम लोगों की सेवा समाप्त की गई है। और हमारे कल 1 तारीख से हम लोगों को रजिस्टर पे साइन नहीं करने दिए गए। आप क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं सरकार से, हमारी ये मांग है कि सरकार हमारा समायोजन करे, हम लोगों की बेरोजगारी को देखते हुए सरकार से हम अपील करते हैं कि हम NRHM में हम लोगों को कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, आपको अगर यहाँ पर जो है नहीं रखा गया फिर क्या है आपका? हम क्या करेंगे? बाकी हम लोग भीख मांगेंगे और गैस स्ट्राइक चालू रहेगी। एनएसटी का दिन धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ भी जाएंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। अच्छा, वो ज्यादा जो है स्वास्थ्य की जो परेशानी आएंगे मरीजों को लेकर के, उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्वास्थ्य देखिए, एक आम स्वास्थ्य के लिए हमारा भविष्य ही अंधकार में है, तो हम दूसरे लोगों इसमें महिला स्टाफ भी हैं, पैरामेडिकल नॉन पैरामेडिकल सभी स्टाफ है हमारा। TNM कंपनी का टोटल स्टाफ है यहाँ पर, ठीक है, 60 से 70 स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर के अंदर।